खाने में बना था चपली कबाब और बिरयानी, बिरयानी बनाई थी सिस्टर ने और चपली कबाब बनाए थे मैंने, और बहुत थक गए। और आज जो है ना आर्या की बर्थडे है, और जो है ना 12:05 हो रहे हैं अभी अभी। मुझे हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो अभी जो है ना ईद का दूसरा दिन है, और जो है ना हम लोग सुबह उठ गए, नाश्ता भी हम लोगों ने कर लिया है, और जो है ना हदीका आने बिल्कुल रेडी हो गई हैं, वाइबा को भी मैंने रेडी कर दिया। अब बारी है मेरी, अब मैं जाती हूँ। रात को जो है ना बस मैंने ऐसे ही टेक लगाई तकिए से और मैं सो गई, देखे मैंने मेकअप भी नहीं रिमूव किया। ठीक है जी, अब जो है ना मैं आपको कपड़े दिखाती हूँ, उसके बाद बस रेडी होके मिलते हैं। ठीक है जी, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। घर से वापसी आ गए अम्मी के घर पे, आज खाने में बना था चपली कबाब और बिरयानी, बिरयानी बनाई थी सिस्टर ने और चपली कबाब बनाए थे मैंने, और बहुत थक गए, बहुत थक गए। अम्मी के घर जाने का बिल्कुल दिल नहीं था, बिल्कुल दिल नहीं था, पर जो है ना तबीयत कल की वजह से इतनी डाउन हुई हुई थी, पर जो है ना फिर भी जाना तो लाजमी था ना, सिस्टर को भी छोड़ना था। अम्मी जा रही है अपनी अम्मी के घर पर, तो जो है ना इस वजह से सिस्टर को मुझे छोड़ना था वापस अम्मी के घर पर, और आज दावत भी थी अम्मी के घर पर, तो इसलिए जो है ना बस अभी कल का कोई प्लान नहीं है, कल कहाँ पे जाएंगे कहाँ पे नहीं जाएंगे, तो अभी कल का तो हमने कुछ डिसाइड नहीं किया हुआ, अब सुबह देखते हैं क्या होता है कल के बारे में। और आज जो है ना आर्या की बर्थडे है, और जो है ना 12:05 हो रहे हैं अभी अभी, मुझे बिल्कुल ना मैंने हानिया को विश किया और हानिया को रोना आ गया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हानिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या हो गया? अच्छा आप बताओ क्यों रो रही हो, क्या हो गया? मम्मा ने डांटा? अच्छा चुप, चुप करो, चुप चुप करो मेरी बेटी। हैप्पी बर्थडे। तो भाई हानिया का बर्थडे है, 1 जुलाई हानिया की बर्थडे होती है, तो बस अभी मैंने उसको विश किया, तो वो उसको मैंने पहले ही किसी बात पे डांटा हुआ था, तो वो एकदम मैंने उसको वो ऐसे ही मुंह फुला के बैठी हुई थी, अभी जब मैंने उसको विश किया तो वो रोने लग गई। अब इस बच्चे को देखें, ये चप्पल उठा के ना इसके नग निकाल के खा रही है, गंदी बच्ची, गंदी बच्ची हो। अभी छुपाती हूँ मैं चप्पल को। हानिया क्यों रो रही थी आप? मैंने डांटा था, क्या बोला था मैंने बताओ, क्या बोला है मैंने? मैंने आपको कोई काम नहीं बोला था ना, आपने क्यों किया वो काम? हानिया को बोला, हदीका को बोला था ना मम्मा ने, तो मेरी वजह से पैसे देती हूं ना। चलो चलो, हैप्पी बर्थडे आपका, खुश हो जाओ, बर्थडे कर लो आप, कल आपकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ओके, बाबा को मैं बोलती हूँ अच्छा सा केक लाना मेरी ब्यूटी के लिए, सही है? यूनिकॉर्न वाला, यूनिकॉर्न वाला, सही है, मैं बोलती हूँ बाबा को। तो रात को जो है ना अम्मी के घर से आने के बाद हानिया को बर्थडे बर्थडे विश किया, फिर मैंने इनके पापा को कॉल करके बोला, अच्छा इनके पापा गए हुए थे अपने दोस्तों के साथ कहीं दावत थी उनकी, बारबेक्यू पार्टी थी, तो वो वहाँ पर गए हुए थे, तो वो रात को आए देर से, उसके बाद जो है ना मैं सो गई थी और मुझे पता ही नहीं चला, और 6 बजे का टाइम जो है ना मैं उठ के वॉशरूम गई हूँ, वॉशरूम में पता नहीं मैं नींदों में थी, पता नहीं नीचे साबुन स्लिप हुआ, मैं एकदम से स्लिप हुई और जो है ना पाँव मेरा मुड़ गया, मुड़ने के बाद जो है ना फ्रैक्चर हो गया इसके अंदर, वो इतना दर्द, इतना 4 इंच से सॉइल होने लग गया, फिर समझ नहीं आ रही क्या करा, फिर मैंने इनके बाबा को उठाया, फिर हम नेशनल हॉस्पिटल गए, तो वहाँ जाके जब एक्सरा कराया तो मालूम हुआ कि ये हो गया है, और ये तकरीबन प्लास्टर हो गया, अब ये तकरीबन 30 डेज का बोला है उन्होंने, और अब ये देखें कब ठीक होगा। इस जगह से फ्रैक्चर हुआ है ये, और यहाँ से ऐसा सॉइल हो गया था 4 इंच से, वो बिल्कुल मूव नहीं हो रहा था, फिर उन्होंने तो समझ ही नहीं आया, बस अब जो है ना फर्स्ट टाइम मेरे साथ ज़िंदगी में ऐसा हुआ। ये नहीं बेटी, वो जो बड़ा सा है वो गोल्डन वाला रेपर,
ये तो इस जगह से ये फ्रैक्चर हल्का सा माइनर सा जो है ना वो कह रहे हैं कि ना वो है, पर तकलीफ इतनी है इसमें कि बस बता नहीं सकती मैं आप लोगों को। सुबह 6 बजे अच्छे खासे सोएं और पता नहीं क्या हो गया, बस अब जो नसीब में होता है। ये अधिका ये पकड़ो, एक्स्ट्रा पकड़ो, ऐसा बीच में से नहीं पकड़ना, ऐसे पकड़ो ऐसे। ये जो है ना इस जगह से, ये जो है ना ये चीज़, ये यहाँ से थोड़ा सा वो हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, अनबैलेंस बोलेंगे क्या बोलेंगे, पर ये इस जगह से हुआ है जो गैप आया। बस इसी के साथ आज के ब्लॉग का एंड करते हैं। हानिया के बर्थडे भी रह गए एंड में, अब देखें क्या होता है। आज का तो मैंने प्लान बनाया हुआ था मैं अपनी बेटी की बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी, पर जो है ना वो कैंसिल हो गई, अब देखें क्या होता है, अल्लाह मालिक के। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए रखें अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में यार, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। और मैं जो है ना रोए जा रही हूँ, और रोते रोते मैं क्या कह रही हूँ, मेरे बच्चे कौन संभालेगा, मेरे बच्चे कौन संभालेगा, मुझे पता नहीं क्या हुआ एकदम ना, मैं जब बस तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही ना, बस ऐसा लगा पता नहीं क्या हो जाएगा, तो बस मैं रोए जा रही हूँ, मैं यही बोले जा रही हूँ मेरे बच्चे कौन संभालेगा। तो फिर इनके बाबा ने जल्दी जल्दी हदीका आने को उठाया, वाइबा तो सो रही थी, वाइबा गोद मिल गया, फिर हम उतर के तो मैं चली गई आराम से, जब वापसी आए ना फिर हिम्मत ही नहीं हो रही सीढ़ियों पर चढ़ने की, फिर इनके बाबा गोद में उठा के लेकर आए मुझे, फिर जो है ना गोली खा कर उन्होंने पेन किलर लगाए थे, इंजेक्शन, 2 इंजेक्शन लगाए थे, तो फिर ये मैं सो गई। और अभी जो है ना तकरीबन मैं उठी हूँ तो 3 बज रहे हैं, भूख इतनी शदीद लग रही थी, मैंने किचन में खड़े होकर चाय बनाई आराम आराम से, और जो है ना पापे रखे हुए थे तो नाश्ता किया अभी मैंने, और बच्चे अभी उठे हैं, अभी इन लोगों को नाश्ता कराती हूँ। तो बस ये आप लोगों को अपडेट दे रही थी कि अभी 2-3 दिन शायद व्लॉग नहीं आए, तो आप लोग दुआ करें मेरे लिए, मैं जल्दी से सेहतियाब हो जाऊँ, ठीक है जी। बस इसी के बाद ये मम्मी वाइफ को तब सबको भेज, 6 बजे हम लोग हॉस्पिटल गए हैं, और हाँ 6 बजे वो ये लग गया, उसके बाद तकरीबन 20 मिनट बाद मैंने इनके बाबा को उठाया, जब मैंने देखा ये तो सॉइल होने लग गया, बड़े जा रहे हैं, मतलब दर्द इतना हो रहा था, तो मुश्किल से फिर मैं उठी वॉशरूम में से, फिर मैं उठ के इनके बाबा के पास गई, मैंने उनको उठाया, मैंने बोला अब उठे, मेरे पाँव में चोट लग गई, फिर उन्होंने देखा तो उनको समझ आया कि ये फ्रैक्चर हुआ है, फिर हम गए हॉस्पिटल, पहले कोई गुलशन में हॉस्पिटल है वहाँ का वो बोल रहे थे, फिर हम जाने लगे, मैंने बोला ये करीब है नेशनल हॉस्पिटल, यहीं चल रहे हैं, एमरजेंसी में ले चले, मुझे खुद तकलीफ़ हो रही है, फिर एमरजेंसी हम यहाँ गए, फिर वहाँ से उन्होंने एक्स्रा करवाया, शुक्र है हो गया, ईद का दिन था, हमने बोला पता नहीं कुछ खुला हुआ होगा नहीं होगा, डॉक्टर अक्सर नहीं होते ना, एमरजेंसी में 2 जनरल डॉक्टर बैठे हुए थे, उन्होंने चेक किया, उन्होंने देखा कि सॉइल हो रहा है पैर, तो उनको भी यही लगा कि फ्रैक्चर हुआ है, फिर उन्होंने एक्स्रा लिख के दिया, एक्स्रा करवाया तो सच में फ्रैक्चर हुआ है। तो उसके बाद जो है ना अब उन्होंने प्लास्टर कर दिया, अब 30 डेज़ का